के इनामी बदमाश को 315 बोर की अति और कारतूस के साथ पुलिस ने किया गिरफ्तार। यह मामला मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के भोजपुरा का है, जहां छोटे राजा परमार पठिया और हाकम सिंह बुंदेला भोजपुरा के परिवारों में 10 वर्षों से विवाद चल रहा था। इस बीच 2015 से आज तक भगवत सिंह छोटे राजा और रकुआ अहिरवार की हत्या हो चुकी है। वहीं 2017 में नरबत अहिरवार की नाक काट कर हत्या का प्रयास किया गया था। वही मामले के आरोपी हाकम सिंह बुंदेला 2016 में जेल तोड़कर फरार हो गया था। फरार होने के बाद उसने अपने भाई मोरपाल से और अन्य साथियों के साथ मिलकर भगवत सिंह की हत्या के साक्षी छोटे राजा उर्फ इंद्र प्रताप सिंह परमार को गोली मार दी, जहां पुलिस ने हाकम सिंह बुंदेला और मोरपाल सिंह बुंदेला को भोजपुरा के पास मुकरवा से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 315 बोर की अद्दी, 2 जिंदा कारतूस, 1 332 बोर की अद्दी, 3 जिंदा कारतूस के साथ एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। वजह क्या है घटना की? इन दोनों में जो रंजिश थी वो पंचायत चुनाव को लेकर थी। पूर्व में छोटे राजा के जो भाई थे 2015 में उनकी भी हत्या की गई थी, और उसके बाद 2016 के आसपास ये जेल से फरार हुए थे। इसमें 224 आईपीसी के तहत अपराध रजिस्टर किया गया। सर, अपराधियों द्वारा कितने अपराध अभी तक किए गए होंगे लगभग, कितना इनाम था? हाकिम इसमें जो एक आरोपी है उसके ऊपर 6 अपराध जो सभी गंभीर प्रवृत्ति के हैं वो दर्ज हैं, और भोपाल पे जो अपराध यहाँ छतरपुर जिले के भगवान का दर्ज है, इसके अलावा तेलंगाना में एक चोरी का प्रकरण भी उसके ऊपर दर्ज है। सर, इन अपराधों में सबसे बड़े अपराध कौन सी हैं? जी, इनके ऊपर हत्या के प्रयास, इसमें हत्या के दो हैं, हत्या का प्रयास थे। सर, एक नाक काटने वाला मामला था, उसके बाद उसकी हत्या की थी, क्या था वो मामला? जी, इसमें ये कुछ साल पहले का प्रकरण है, जहाँ पे काफ़ी आरोपी जो थे उसमें राउंडअप हो गए थे। हाकिम मोरपाल काफ़ी समय से फरार थे, इसमें एक कमज़ोर वर्ग से जो महिला आती थी उनका नाक और कान काटा गया। दो परिवारों के बीच में आपस में पूरी जंगल चल रहा था, एक दूसरे में बजट की लड़ाई चल रही थी। इसी क्रम में वर्ष 2015 से लेकर के 2017 के बीच में 3 जो है 2021 के बीच में 3 हत्याएँ हो चुकी हैं, जिनमें जो लोग दूसरे भगवत सिंह, छोटे राजा परमार और नरवाजा, इसके साथ साथ में जो है हत्या का कायम कर नरवाजा की नाक काटी गई थी। इन सब अपराधों में कुख्यात बदमाश हाकम सिंह बुंदेला निवासी भोजपुरा, मोरपाल सिंह के अतिरिक्त एम आर धोनी की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। एम आर धोनी की गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। एम एस के दो अन्य पार्टियों में गिरफ्तारी पूर्व में की जा चुकी थी। मोरपाल सिंह पर 2018 से अपराध में फरार था, जवर की जेल तोड़कर के भागा था। इसी क्रम में इसके पुलिस में जवर का अपराध कायम हुआ था। यह जो है अपनी भारी हैदराबाद, चेन्नई, विजयनगर आदि शहरों में काटता रहा, घूमता फिरता रहा। विगत अंतिम वर्ष में हमें 16-3-2000 को आए होटल के सामने छोटे राजा अभिया की तीन से बंदा बोल की अभी से गोली मार करके हत्या कर दी। इसके विरुद्ध है 60,000 रुपये का इनाम मुख्यमंत्री माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने राष्ट्रीय सरकारियों की टीम गठित की, जिनके द्वारा लगातार इन प्रयास किए गए, इन्हीं प्रयासों के उसमें इनको गिरफ्तार किया गया। और पिछले साल में मुझे लगता है सिविल लाइन में जो बच्चे की किडनैपिंग हुई थी, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज कानून व्यवस्था के दृष्टिगत या फिर क्राइम के हिसाब से भी ये छतरपुर जिले के लिए सबसे बड़ा चैलेंज लगातार बना हुआ था। और ये भगवा में खासकर क्योंकि आपराधिक घटनाएँ पर्टिकुलरली इसी गाँव में होती थी, और जो रजिशें हैं वो काफ़ी समय से चली आ रही थी। और ये सही है कि अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो आने वाले समय में वहाँ पर भी किसी प्रकार की घटनाएं होती, और एक टेंडेंसी इसके बाद से बदलेगी। खासकर आपस की जो लड़ाइयाँ होती हैं, सब कुछ होती हैं,
हमेशा उनको पंचायत चुनाव को इतना पर्सनली नहीं लेना चाहिए कि वो किसी की जीवन या मृत्यु का कारण बन जाए। और इन्होंने भी फरारी काटी काफ़ी लंबे समय तक, और परिवार भी हमेशा आपस में लड़ते रहे, और जेल भी तोड़ के इन्हें भागना पड़ा, और मुश्किल था इनको काफ़ी ट्रैक करना, ये बात सही है। और इस पूरी टीम ने जो मेहनत की है वो सराहनीय है। आउट ऑफ दी वे जाके काफ़ी लंबे समय तक अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रदेशों में जाके कैंप करना, उसके बेसिस पे आज ये हुआ है। और ये एक मैसेज भेजेगा पहली चीज़ कि अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना भी समझदार हो, अगर पुलिस चाह लेगी तो उसको गिरफ्तार करेगी और उसकी जो सही जगह है जेल के अंदर वहाँ पे उसको भेजेगी।